नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला पंजाब में देखने को मिला और इसके बाद बवाल शुरू हो गया कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है। जिस व्यक्ति के पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षा हो, सिक्योरिटी हो, उसकी सुरक्षा में चूक का मामला लोगों ने उठाया और लोगों ने कहा कि पीएम मोदी की जान को खतरा है। बीजेपी का भी यही कहना था। इसके बाद आपको बता दें कि सीएम चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किसी भी तरीके की चूक नहीं हुई है। हमने कहा था कि आप हवाई मार्ग के जरिए जाइए, लेकिन पीएम मोदी ने खुद सड़क मार्ग के जरिए जाने का निर्णय किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 70,000 कुर्सियाँ थी जनसभा में, जिनमें केवल 700 लोग आए थे, तो ऐसे में जनसभा कैसे होती। वहीं हम आपको बता दें कि अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सुरक्षा की चूक मामले को लेकर। आपको ये जानकारी दे दें कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी की गाड़ी वहां से गुजर रही है फ्लाईओवर से। उसी दौरान भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग बीजेपी का झंडा लेकर के वहां पर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, मोदी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो सामने आया और ये वीडियो पोस्ट किया किसान एकता मोर्चा ने। साथ ही उन्होंने बताया कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे और वो मोदी को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे थे, इस तरीके की बात कही जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक नहीं हुई है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी के खुद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे और बीजेपी खुद उस जनसभा को नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से सुरक्षा चूक मामले को उठाया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दें कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा मामले में चूक का मामला बेहद गलत है। सीएम चन्नी को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए और उन्हें इस मामले पर सीरियस होकर के जांच करवानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार से। वहीं हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति भी मिले थे पीएम मोदी से और अब एक नया मामला सामने आया है कि वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग बीजेपी का झंडा लिए और मोदी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वहीं से पास से पीएम मोदी की गाड़ी फ्लाईओवर से गुजर रही है। वीडियो की सच्चाई क्या है, ये तो देखने वाली बात होगी, जांच के बाद ही सामने आएगा। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी जाँच के बाद सामने आएगा। साथ ही कौन लोग हैं जो फ्लाईओवर पर जमा हो गए थे, बताए तो किसान जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। सभी चीज़ें जांच के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन अभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप क्या सोचते हैं सबके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।